दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हस्त मैथुन से आई कमजोरी और लिंग इंद्रिय को जो नुकसान होते हैं उसके लिए लाभकारी औषध क्या है, क्योंकि हस्त मैथुन बार बार करने से लिंग इंद्रिय की जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो शिथिल हो जाती है, तो फिर आदमी का पेनिस दुलमुल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की नसों को पूरा रक्त नहीं मिलता। तो हस्त मैथुन से खराब हुई लिंग इंद्रिय को ठीक करने के लिए मैं कुछ आपको एक दो तिला वगैरह बता रहा हूँ, आप लिख ले हैं। देखिए, 40 ग्राम लहसुन को सिल बट्टे पर पीस कर लुगदी बना लें, फिर देगची या किसी बर्तन में 3/6 अलसी का तेल और 3 पाव पानी डालकर उसी में लहसुन की लुगदी रख दें और उस बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दें। जब पानी जल जाए तेल उतार कर छान लें, फिर राई, अकरकरा, नींबू के बीज और माल कांगनी 10-10 ग्राम लेकर पीस कूट कर छान लें और उसी लहसुन के पके तेल में डालकर बहुत ही मंदी आंच से पकाएं। जब तेल सिद्ध हो जाए तो उतार कर छान लें। इस तेल को सुपारी को छोड़ दें, उस पर कभी मालिश नहीं करें। बाकी लिंग के ऊपर खूब आहिस्ता आहिस्ता मलने से सुस्ती दूर हो करके लिंग इंद्रिय में तेजी आती है। कम से कम ये मसाज 1 टाइम 21 दिन तो करनी चाहिए, 2-5 दिन ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला नुस्खा जो है मेंसिल बिना शुद्ध किया हुआ 22 ग्राम, सुहागा 45 ग्राम, पोकर मूल 45 ग्राम, चमेली के पत्तों का रस 200 ग्राम, इन सब को पीस लें और 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला लें। फिर तिल का तेल 200 ग्राम, एरंड का तेल 50 ग्राम मिला लें और मंद आंच से तेल सिद्ध करें, नितार कर शीशी में भर लें। वैद्य लोग इसे 10 ml की शीशियों में पैक करें। इस तेल को
सीवन और सुपारी को छोड़ करके, सुपारी आगे का पार्ट होता है और वहीं एक यहाँ गोलाकार होता है किनारी, उसको सेवन बोलते हैं, यानी कि पूरी सुपारी या थोड़ी और जगह इसको छोड़ करके दो बूंद या तीन बूंद डालकर मालिश करें। जब रस जाए, मालिश हो जाए, चारों तरफ आपको लगे कि लग गई है, तो फिर दो बूंद डालें। इस प्रकार 8 से 10 बूंद रचा दें, यानी कि ये बड़ी ध्यान की बात है, कोई मतलब गलती ना करें। पहले दो बूंद लें तो दो बूंद की मालिश करेंगे तो आपको थोड़ी देर में लगेगा कि वो समा गई अंदर। फिर 2-3 बूंद लेके और करें, फिर लगे कि चमड़ी खुश्क हो गई है, तेल समा गया है। इस तरह से आपको 8 बूंद से 10 बूंद, इससे अधिक नहीं, इतनी लग जाए मालिश, आप हल्के हल्की करें। लगभग 20-25 मिनट मालिश करेंगे तो ये 8 बूंद लगेगी। और यदि लिंग खड़ा हो जाए तो जिस ओर को टेढ़ापन हो उस पर अंगूठे से दबाव देते हुए मालिश करें, इससे बांकपन ठीक होगा और लिंग की सब कमजोरियां, पतलापन, छोटापन और ढीलापन ठीक होगा। हजारों जगह परिचित है, यानी कि ये जो नुस्खा है हजारों के ऊपर आजमाया हुआ है और सक्सेसफुल है। अब मैं आपको, देखिए आपसे नहीं बनता है तो कोई वैद्य की राय लेके बना लें, आप खुद ना बनाएं। दूसरा जो नुस्खा है, विजया, विजय का मतलब भांग से होता है, तो भांग का अर्क और कनेर की जड़ का रस और धतूरे में पाई गोली की देखो, इसको एक मिनट थोड़ा आपको समझना है। ये दोहा है, विजया अर्क कनेर जड़ रस धतूरे पाई, यानी कि भांग का अर्क, कनेर की जड़ का रस और धतूरे का, विजया अर्क कनेर जड़ रस धतूरे पाई गोली कीजे पीछे करी लीजे छाम सुकाई। इसको पीस करके, गोली करके और छाया में सुखाए, स्वमूत्र में घिस कर लेप इंद्रिय कीजे, स्थूल धर्ड अति दीर्घ होई। मैं आपको एक बार फिर और सुना देता हूँ ताकि
देखो कहीं नाजुक मामले होते हैं ना, तो वहाँ लापरवाही करना अच्छा नहीं होता है। और अगर हम जैसे आदमी लापरवाही कर जाएंगे तो फिर मामला और ख़राब हो जाता है। विजया अर्क यानी कि विजया भांग को कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता दिया। विजया अर्क कनेर कनेर जड़ रस धतूरे पाई, गोली चीजें पीसे करी लीजे छांव सुखाई। इनकी गोली करके और उसके बाद छाया में सुखा लें, स्वमूत्र में घिस कर लेप इंद्रिय कीजिए। रोगी अपने पेशाब के अंदर घिस करके अपनी इंद्री के ऊपर लेप करे, तो ये आगे लिखते हैं स्थूल धड़ अति दीर्घ होई। स्थूल का मतलब मोटा मजबूत, अति दीर्घ होई यानी कि लंबाई और मोटाई एक तरह से। आप क्या कहा स्थूल का मतलब, जैसे कोई आदमी आता है और यार तू तो बहुत हट्टा कट्टा है, ये एक लिंग की मोटाई लंबाई एक अलग चीज होती है। इसको थोड़ा आप, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं, शायद आप समझ गए होंगे। एक तरह से मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, उसमें मोटाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई। ये नुस्खा जो अभी मैंने बताया है, ये नुस्खा शास्त्रोक्त है, यानी कि आयुर्वेदिक के ग्रंथ का है, कोई कल्पित नहीं। कल कोई मुझसे ये नहीं पूछें कि आपने कौन सी किताब से लिया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये नुस्खा शास्त्रोक्त। शास्त्रोक्त का मतलब ये होता है कि आयुर्वेद के ग्रंथ से है। हमारा हजारों रोगियों पर आजमाया हुआ है, अति सफल है। इसकी लंबी लंबी बत्तियां पेंसिल के समान लगभग 2 इंच की बना लेनी चाहिए। इसे रोगी नहाने के बाद किसी चिकने पत्थर के टुकड़े यानी कि मार्बल का 4 इंच का टुकड़ा हो, उस पर अपना पेशाब की 5-4 बूंद डालकर इस पर इस बत्ती को घिस करके और पतली सी पेस्ट बना के लिंग पे लेप करके फूंक मारकर सुखा ले। लिंग बंद रखना चाहिए, अर्थात सुपारी व शिवन पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और कपड़े पहन लें, दिन भर लगा रहेगा। इसके लगाने से बहुत छोटे और पतले और ढीले लिंग वालों को भारी फायदा होता है। यह शायद विश्व की अकेली दवा है। बोलो आप, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपको, जो इस प्रकार का कार्य करती है। शास्त्र में साफ नहीं है लिखा हुआ कि विजया और अर्क का कौन सा भाग लेना है, यानी कि भांग की पत्ती लेनी है या अर्क लेना है। तो शास्त्र के अंदर, ग्रंथ के अंदर ये क्लियर नहीं लिख पाए वो कि कौन सी चीज लेनी है, लेकिन ये अपने विवेक से ही जानना चाहिए। तो अर्क ही लें, अपने दिमाग से अर्क ही लें। जड़ी बूटियों के ज्ञाता विवेक से जानते हैं
कि किस मुंटी का कौन सा भाग किस रोग में गुणकारी होता है। इसीलिए इसमें भांग अर्थात भांग के पत्ते का अर्क या आंकड़े की जड़ और कनेर की जड़ तथा धतूरे के पंचांग का रस लेना चाहिए। अकरकरा दो ग्राम और जंगली प्याज का रस 10 ग्राम। इन दोनों को पीसकर लिंग पर लगाने से लिंग सख्त होता है। अभी ये जंगली प्याज खूब है, इस वक्त खूब है मेरे यहाँ जो पहाड़ी है, ओहो हर 5 कदम पे जंगली प्याज। अकरकरा 2 ग्राम और जंगली प्याज का रस 10 ग्राम। एक बात का ध्यान रखें, ये इनमें नहीं लिखा, कुछ चीज़ें हैं जो अनुभव से मालूम होती है। जंगली प्याज का रस निकाले ना तो हाथ में रबड़ के मोजे पहन लें, वरना ऐसी खुजली चलेगी हथेलियों में और में कि बस पूछो मत, वहाँ नहीं चलेगी, खाली वो रस निकालते वक्त ही चलेगी। मैंने ये जंगली प्याज में खुद लाया हूँ और इसका रस निकाल करके वो तेल के अंदर सिद्ध किया। ये बात है करीब 3-4 साल पहले की, तो मैंने लिंग के हिसाब से नहीं, घुटनों के दर्द के ऊपर भी ये काम करता है। तो मैंने प्याज ला करके और बहू को दे दिया। मैंने कहा बेटा इसका है जो ये ऊपर का छिलका हटा के और थोड़ा रस निकाल के दे दे। तो उसने छिलका हटा के और निकाल के रस दे दिया और वो अपने काम में लग गई। हमने है जो तेल को रस को गर्म करके और छान करके शीशी में भर लिया। अब भर के हम लेट गए। अब घंटे 2 घंटे बाद बहू आई कि पापा, उनका क्या हुआ बेटा, तो देरों मेरे हथेलियों में फफोले हो गए, खुजली हो रही है। और मैंने कहा ये जंगली प्याज का, मैंने कहा बेटा हमें भी मालूम नहीं था, कहीं लिखा भी नहीं था, कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे। इसके ऊपर गाय का घी 3 बार लगा लो 1-1 घंटे के अंदर। तो दिन भर गाय का घी लगाया तब जा कर के उसके हाथ ठीक हुए। ये चीज़ें कुशल वैद्य की देखरेख में बनाए और कुशल वैद्य हम खुद डिफिट खा गए। सारी बातें शास्त्र में नहीं लिखी होती है, अनुभव में आती है। तो ये हमारे अनुभव में आई और हमें याद है, इसलिए हमने आपको सावधानी के लिए बताया। कुछ और फिर बनने के बाद कोई खुजली फुजली कुछ नहीं होगी, बस वो रस निकालते वक्त अगर हाथों के लग गया ना तो बहुत खुजली होती है, भयंकर जलन होती है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि रबड़ का दस्ताना जो नर्सें पहनती है वो ला करके उसका रस निकाल लें, बच्चों से दूर रखें। तो ये जो अकरकरा 2 ग्राम और जंगली प्याज का रस 10 ग्राम, बस इन दोनों को पीस करके और लिंग के ऊपर लगाने से लिंग सख्त हो जाता है। 11 या 21 दिन तक ये नुस्खा काम में लिया जाना चाहिए, सुपारी के ऊपर न लगाएं। और अगला नुस्खा मैं आपको देता हूँ।
लौंग एक काला वाला मोटा लौंग एक नग और समंदर फल की गिरी एक गिरी एक लौंग, इन दोनों को पीस कर शहद में मिलाकर 21 दिन लगाने से लिंग कड़ा होता है। अगला नुस्खा, ये शायद मैंने पहले कभी दिया भी था और एक व्यक्ति का व्हाट्सएप आया था कि बहुत ही कामयाब नुस्खा है, जंगली कबूतर की बेंट, यानी कि ये अपने घरों में उड़ते हैं ना, ये जंगली होते हैं, साफ सुथरी लेवें, जंगली कबूतर की बेंट की सफेदी, वो बेंट करता है ना तो नीचे तो काली रहती है ऊपर सफेदी रहती है, तो तरकीब से देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, ब्लेड से या कोई चीज़ से ऊपर ऊपर की सफेदी इकट्ठी करें। बीट की सफेदी 2 ग्राम, जंगली कबूतर की बीट की ऊपर की सफेदी 2 ग्राम ला करके असली चमेली के तेल में खूब पीस कर लिंग पर मलें। 31 दिन में हस्त मैथुन करने के वजह से जो दोष हो गया है जड़ से ठीक हो जाएगा। फोकट का नुस्खा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आगे के पार्ट को छोड़ दें। अगला नुस्खा, चमेली के तेल में इस बंद पीस कर रोज लिंग पर लगाने से लिंग में तेजी और शक्ति आती है। 21 दिन ये प्रयोग करना चाहिए। अगला नुस्खा जो सरल हो वो कीजिए आप। मूली के बीज 40 ग्राम पीस कर 160 ग्राम मीठे तेल में मिलाकर ओटाएं और रख दें। इसमें से कुछ तेल लेकर रोज 31 दिन लिंग पर मलने से लिंग में बड़े जोर की तेजी आती है। देखो मैं एक बात बताऊं, आप मेरे को गलत न लें, बिल्कुल गलत न लें, अब कोई चीज़ है वो मेरे को बतानी पड़ती है। मैं मूली के बीज खरीदता हूँ और उसका तेल निकालता हूँ। अकेला मूली के बीजों का तेल ही इतना कारगर है जिसकी कोई हद नहीं। और आपको करना क्या है, मूली के बीजों का तेल, जैसे मान लो 25 ग्राम मूली के बीज, 15 ग्राम मूली के बीज का तेल या 20 ग्राम, उतना ही तिल का तेल प्योर, ये दोनों लेकर के मूली के बीजों का 40 ग्राम पे देखो, अगर तेल लेते हो तो बराबर मात्रा में तिल का तेल और मूली के बीज का तेल मिला है, और अगर तेल आप नहीं लें कोई बात नहीं तो मूली के बीज 40 ग्राम ले हुए हैं और उनको पीस करके 160 ग्राम तिल के तेल में मिला करके ओटाना पड़ेगा और रख दें। इसमें से कुछ तेल लेकर के तैयार है, 31 दिन तक मसाज करने से जोर की तेजी आती है। अगला नुस्खा, थुहर घोटा, थुहर घोटा जो होता है जिसको तोड़ते ही सफ़ेद दूध निकलता है, कांटे बड़े तीक्ष्ण होते हैं, खूब होता है जंगल में,
और याद रखें थुहर गोटे का एक बूंद दूध अगर आपकी इधर की मुलायम चमड़ी के लग जाए वहाँ पपोला हो जाएगा, वो जगह जल जाएगी। सावधानी के काम है। थुहर का दूध 10 ग्राम और गाय का दूध 10 ग्राम, इन दोनों को दिन भर धूप में रखें मिला करके, रात को उसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिलाकर लिंग पर मसाज करें। जब लेप सूख जाए तो 1 घंटे बाद मैथुन करें। वीर्य जल्दी श्रृंखलित नहीं होगा, ये टाइमिंग बढ़ाने का नुस्खा है। देखो गाय का दूध के अंदर 10 ग्राम, ये जब थुहर का दूध दिन भर सूखेगा धूप में तो इस थुहर के दूध की जो तेजी है वो गाय का दूध खा जाएगा। इस चीज़ को याद रखें, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई हल्की फुल्की खुजली भी हो तो कोकोनट ऑयल बाद में लगा सकते हैं। अगला नुस्खा, सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल को महीन पीसकर भटकटैया के रस में खरल करके 21 दिन तक लिंग पर सुपारी को छोड़कर लेप करने से भी लाभ होता है। अश्वगंधा की जड़ को जोकूट करके काले धतूरे के रस में भिगो देवें और छाया में सुखा लें। फिर धतूरे का ताज़ा रस निकाल कर उस सूखे हुए चूर्ण को फिर भिगो दो और सुखा लो। इस तरह 20 बार ताज़ा धतूरे के रस भिगोकर तैयार करो और उसकी मालिश करो। इस नुस्खे को छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें 20 बार धतूरे के वो रस का है, इसको आया गया कीजिए। अब मैं देखता हूँ आपके लिए कि ये भी हड़ताल और पारद का नुस्खा है, बोल देता हूँ लेकिन किसी वैद्य की देखरेख में बनवाएं। हड़ताल, पारा और नागौरी अश्वगंधा, ये तीनों 18-18 ग्राम, सुहागा 9 ग्राम, सोमल का खार 9 ग्राम और मैनसिल 30 ग्राम, इन सब को महीन पीस कर कूट छान कर इस चूर्ण के वजन के बराबर गाय का घी मिला लें। जब खूब खरल करो इस घी को सुपारी को छोड़कर बाकी लिंग पर धीरे धीरे रोज मालिश करो। इस लेप को निश्चय ही नामर्दी नष्ट हो जाती है। सोमल खार संखीय को बोलते हैं, ये तेज जहर विष है, इसीलिए इसको कच्चा न लेकर इसकी भस्म लेना ठीक रहेगी। हड़ताल और मैनसिल भी जहर है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बनानी चाहिए। ये नुस्खा जो है आप खुद नहीं बनाएंगे, और बहुत ही ट्रेंड कोई वैद्य है तो बनाओ, नहीं तो आया गया करो ना बनाओ। ये तो नुस्खे तो दे दिए जो दे दिए, हमें बता दिए जो बता दिए,
लेकिन हमने मना भी कर दिया आपको इसको ना करें। जो ऐसी जहर वाली चीज़ों को अपन आराम के लिए कोई काम करते हैं, तकलीफ के लिए नहीं करते हैं। ये नहीं बैठा अपने दिमाग में। अब नुस्खे तो और भी बहुत हैं। अब एक आसान उत्तम तिला बता देता हूँ। तिल्ली का तेल, अलसी का तेल, एरंड का तेल, असली तारपीन का तेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं तीनों चीज़ों में। कच्चे बिरोजा या चीड़ का तेल प्रत्येक ये 100 ml में तेल के अंदर लौंग, ये तेल के अंदर लवंग का तेल, दालचीनी का तेल, जायफल का जायफल, नीलगिरी का तेल, इलायची का तेल, अजवाइन का सत, पेपरमिंट, असली कपूर 5 ग्राम मिला ले। मैं इसको एक बात फिर बोल देता हूँ। देखो, तेल तिल, तेल अलसी, तेल एरंड, असली तेल तारपीन, ये सब 100 ml तेल लेवें, ये सब मिला के 100 ml लेना आपको। और उस 100 ml के अंदर लौंग का तेल, दालचीनी का तेल, जायफल, नीलगिरी का तेल, इलायची का तेल, अजवाइन का सत, पेपरमिंट, असली कपूर, ये 5-5 ग्राम मिला लें और 24 घंटे रख के छोड़ दें। ये आपका तिला तैयार है। इसको सुपारी और सीवन को छोड़ करके 2-2 बूंद लेकर 5-7 मिनट मसाज करें। उत्तम गुणकारी और बनाने में बेहद आसान है। इस तिला से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो काम की चीज़ है ना, उसको 3 बार बताऊंगा मैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार बताऊंगा मैं। देखो, तिल का तेल, अलसी का तेल, अरंडी का तेल और असली तारपीन का तेल, 4 हो गए ना, तो 25-25 ग्राम ले लें तो 100 ग्राम हो गया बस। अब इस 100 ग्राम के अंदर आपको लौंग का तेल, दालचीनी का तेल, जायफल और नीलगिरी का तेल, इलायची का तेल, अजवाइन का सत्य और पेपरमिंट और असली कपूर, ये 5-5 ग्राम मिला लें, बहुत सरल। और 24 घंटे मिला करके रख के छोड़ रहे, आपका तिला तैयार है। इसको सुपारी और सीवन छोड़कर 2-2 बूंद लेकर 5-7 मिनट मालिश करें। ये उत्तम गुणकारी और बनाने में बहुत आसान है। देखो, ये तिला तो मेरे पास तिल का तेल है, अलसी का तेल है, एरंड का तेल है, तारपीन असली का तेल आपको मेडिकल की दुकान से लेना है, और
तारफिन का तेल का मतलब चीड़ का तेल होता है, बहुत बदबू आती है, ये मैं बता देता हूँ, बहुत बदबू आती है। और दालचीनी का तेल मिल जाता है, जायफल मिल ही जाएगा, पाउडर बना लो, अजवाइन का सत, पिपरमिंट, ये सारी चीज़ें आप मिल जाएगी, आपको पूछने के, ये 5-5 ग्राम लेके पीस के मिला लो, 24 घंटे रख दो, उसके बाद आप बोतल में भर लो, आपका तिला फर्स्ट क्लास बन गया। अब मैं देखो 35 मिनट तक बोला हूँ, और 35 मिनट के अंदर कितने मैंने नुस्खे दिए मुझे मालूम नहीं, पानी तक मैंने नहीं पिया। मैं 78 साल की आयु के अंदर आप लोगों के लिए मैं तिला बताता हूँ मसाज का, और मैं खुद मसाज का तेल बेचता हूँ, तो मुझको नहीं बताना चाहिए। मैं अपनी कमाई के भी ठोकर मारता हूँ नियम से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, उम्र के इस पड़ाव में हनुमान भक्त होने की वजह से हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, चाहे हमें 2 पैसा कमाई हो तो ठीक, न हो तो ठीक। ये तेला जो अभी मैंने बताया है, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं बना के सेवा में हाजिर कर दूंगा, नहीं तो आप आराम से अपने घर पे तैयार करें। अब मैं आपको एक और आसान तिला, असली ग्लिसरीन 100 ग्राम, अरे ऐसे नुस्खे आपको कोई नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ, असली ग्लिसरीन 100 ग्राम, ग्लिसरीन बाजार में खूब मिलता है मेडिकल की दुकान में, और 1 ग्राम बढ़िया पिंकी यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट मिलाकर 48 घंटा रख दें, इसके लगाने से बड़ा लाभ होता, बहुत आसान, बहुत सरल। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप पिंकी नहीं समझते हैं। असली ग्लिसरीन असली लाएं आप मेडिकल की दुकान से, 100 ग्राम की पैकिंग ले आवें, ज़्यादा आती है तो भाई ज़्यादा ले आओ, और काम आ जाती है घर में। 100 ग्राम ग्लिसरीन के अंदर 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट, ये आपको इसी नाम से आप वहीं एक ही दुकान में दोनों चीज़ें मिलेगी, मेडिकल की दुकान, ग्लिसरीन ले लो और उसको कहो कि भाई 1 पैकेट पोटाशियम परमैंगनेट ये दो। पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी, यानी कि जो अपन पानी में शुद्ध करने के लाल दवा डालते हैं, इसको अंग्रेजी में पोटाशियम परमैंगनेट कहा है, ये कीटाणुओं का नाश करती है, मुंह में छाले हो जाएं तो इसके कुल्ले करते हैं, तो 20 रुपये की आपको इतनी बड़ी डिब्बी देगा वो, 20 रुपये की लाने तो आपको डिब्बी पड़ेगी, वो बाकी पड़ा रहेगा, तो उसमें से 1 ग्राम निकाल लें और ग्लिसरीन के अंदर मिला लें, 48 घंटा रख दें। इसके बाद ये लिखते हैं कि लगाने से बड़ा लाभ होता है, लेकिन आपका लिंग रंगीन हो जाएगा, कोई चिंता न करें, बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई जलन नहीं,
अरे जो चीज़ मुंह में लेके कुल्ला करते हैं कोई ऐसी बात नहीं। तो ये बहुत सरल है, आप इसे कर सकते हैं। सुबह साबुन से नहा लें। अगला तेला दालचीनी और लौंग का तेल मिलाकर अथवा किसी एक का ही तेल लिंग पर मसाज करने से लिंग मोटा होता है। अब देखो नुस्खे तो और हैं, हम फिर देंगे। आज हम थक गए और वक्त भी देखो 11 बज गए। हम आपको कल और दे देंगे। आप जब भी कहेंगे हम नुस्खे देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इनमें से जो जितने मैंने नुस्खे दिए हैं तो 2-3 नुस्खे ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनमें से ही करें। अच्छे चिकित्सक की देखरेख में बनाएं, कहीं आप को कुछ तकलीफ न हो। ये मैं श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। सरल नुस्खा ही करें, इसी में फायदा है। नुस्खे हैं नुस्खों बातें हैं बातों का क्या, कैसे में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कैसे में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। इसलिए सावधानी जीवन में रक्षा करती है। चिकित्सक की देखरेख में आपको ऐसा भी बनाए। शुभ रात्रि। थैंक्स। जय हनुमान।